हेलो प्यारे बच्चों आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर ट्वेंटी वन शेड्यूल टू बी डन ऑन ट्वेंटी सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन फॉर क्लास सिक्सथ टूडेज़ वर्कशीट इज बेस्ड ऑन योर चैप्टर सेकेंड चैप्टर हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर आपने लास्ट वर्कशीट में बेटा स्टोरी की थी एनिमल तब आपने जाना क्या था कि कब डॉग किस किस के पास गया आपने डायलॉग फॉर्म में स्टोरी को कंप्लीट किया था अब विद द हेल्प ऑफ द स्टोरी अब आपको क्या करना है अब आपको फिर से एक गेम की तरह उस स्टोरी को री रिकेप्चुलेट करना है अब देखिए कैसे हेल्प द डॉग रीच हिज फाइनल मास्टर द मैन ड्रॉ एंड पेस्ट पिक्चर्स ऑफ द एनिमल्स होम द डॉग मेट ऑन द वे तो आपको डॉग सबसे पहले किसके पास गया था याद रखना है तो यहाँ पर आप पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं पेस्ट भी कर सकते हैं और मैं अभी आपको यहाँ पर नाम लिख के दे रही हूँ तो डॉग सबसे पहले गया था वुल्फ के पास और वुल्फ को जब देखा कि वुल्फ किससे डर रहा है बियर से तो डॉग चला गया था बियर के पास वेरी गुड और उसके बाद बियर किससे डर रहा था शाबाश बियर डर रहा था लायन से तो आप यहाँ पिक्चर्स भी बना सकते हैं और पिक्चर्स ड्रॉ भी कर सकते हैं और लायन जब देखा उसने कुछ समय लायन के पास रहने के बाद कि लायन मैन से डर रहा था तो फाइनली डॉग ने किसको अपना मास्टर चुना द स्ट्रोंगेस्ट पर्सन द स्ट्रोंगेस्ट क्रिएटर मैन यस अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एम आई आपको पहचानना है हु एम आई आइडेंटिफाई द स्पीकर किसने ये सेंटेंस कहा था आपको ये पहचानना है देअर इज अयर आउट देयर एंड ही माइट ईट बोथ ऑफ यू एंड मी तो बाहर कोई बियर है जो हम दोनों को खा जाएगा तो बियर से कौन डरता था लायन या वुल्फ वेरी गुड बियर से डर रहा था वुल्फ तो यहाँ स्पीकर कौन है वुल्फ इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स अब यहाँ क्या है इट इज़ द लायन जो रूल करता है जो यहाँ पर रहता है इन इस एरिया में और यहाँ का राजा है यहाँ पर वो उसका रूल चलता है तो ये कौन कहेगा यस yes, कौन डर रहा था बियर डर रहा था लायन से तो ये कहा बियर ने वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ 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 तो ये किसने पूछा वुल्फ से वुल्फ को कौन मास्टर बनाना चाहता था वेरी गुड डॉग डॉग अपना मास्टर ढूंढ रहा था ना और सबसे पहले गया था वुल्फ के पास आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे किसने कहा कि मुझे खुशबू आ रही है किसी आदमी की तो लायन जब डर रहा था मैन से तो लायन ने ऐसे कहा था कि उसको ऐसी खुशबू आ रही है किसी व्यक्ति की आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ किसको मास्टर चाहिए था देखो बेटा जहाँ भी मास्टर की रिवार्ड है वहाँ पर तो हमेशा क्या आना है डॉग डॉग को चाहिए था स्ट्रोंगेस्ट स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ आप देखिए लास्ट और बहुत सिंपल क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स तो फेयर्स फियर्स का मतलब होता है वायलेंट गुस्से में क्लिफ तो क्लिफ टॉप क्या होता है अस्टीप खड़ी हुई चढ़ाई वाला सीधा रॉक सीधा पहाड़ तो क्लिफ वॉन्डरिंग वॉन्ड्रिंग क्या होता है टू वॉक स्लोली घूमना इधर उधर घूमना धीरे धीरे डेयर हाउ डेयर यू कहते हैं ना तो डेयर्ड टू बी ब्रेव साहस करना टू बी ब्रेव इनफ टू डू समथिंग कुछ भी करने का साहस करना तो देखिए बेटा लास्ट बट नॉट द लीस्ट कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको हमेशा फॉलो करना है कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ सिक्स फीट और टू यार्ड्स वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर एंड टू फाइट अगेंस्ट कोविड 19 वेयर अ मास्क टेक केयर ऑफ योर सेल्फ कीप लर्निंग एंड एंजॉइंग स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी थैंक यू हैव अ नाइस डे